नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। जन घोषणा पत्र के सुझाव के लिए सीधे पहुंचे रायपुर, पत्रकारों सहित अन्य लोगों से लिया राय। रमन सरकार के विकास पर डाला प्रेम प्रकाश ने प्रकाश, कहा सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। ट्रैफिक सिग्नल जंप करना पड़ेगा वाहन चालकों को, भारी फुटेज के साथ घर पहुंचेगा चालान। और रात भर गरबा की धुन पर नाच रहा रायपुर, 50 से ज्यादा स्थानों पर हो रहा भव्य आयोजन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र लाने की बात कही थी, जिसके चलते जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव सभी जिलों का भ्रमण कर सोमवार को रायपुर सुझाव लेने पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के अलावा अन्य लोगों से भी सुझाव लिए, जिसे घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा शामिल किए जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल से शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने रंगों में मतदाताओं को रंगने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने पहले से ही जन घोषणा पत्र लाने की बात कही थी, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। सिंहदेव जनता के बीच जाकर घोषणा पत्र के लिए सुझाव भी ले रहे हैं। सोमवार को टीएस सिंहदेव प्रदेश के जिले रायपुर में घोषणा पत्र पर सुझाव लेने पहुंचे। उन्होंने इसी कड़ी में पत्रकारों के बीच पहुंचकर सुझाव लिया। इस दौरान रायपुर प्रेस क्लब में सिंहदेव ने पत्रकारों से बारी बारी सुझाव लेकर उस पर अमल करने की बात कही। सिंहदेव ने कहा कि शासन के संदर्भ में पत्रकार खबरों को उठाते हैं, जिसे नीतियों में योगदान दिया जाता है। पत्रकारों ने कांग्रेस से कई अपेक्षाएं रखी, जिसमें सुरक्षा कानून, पत्रकार कोष सहित कई और मसलों को शामिल किया गया। सिंहदेव ने कहा कि पत्रकारों की सभी मांगों को सूचीबद्ध कर घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। सिंहदेव ने बताया कि अब तक घूमने पर पाया गया कि 15 सालों में केवल तंत्र का अधिकारीकरण हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। निजीकरण और बीमा कंपनी के अनैतिक लाभों को वापस लिया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। जो करने की स्थिति में सरकार रहेगी, आप ये माने कि 90,000 करोड़ का बजट, 1,00,000 करोड़ का बजट आप अनुमान के रूप में मान लीजिए, 1,00,000 करोड़ के बजट में 40,000 करोड़ रुपये वेतनों में जाएंगे, सरकारी अमले के खर्चे में जाएंगे, बिजली बिल में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे। 60,000 करोड़ में जितना काम हो सकता है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखेगा। हम लोग 2,00,000 करोड़ का काम दिखाएंगे नहीं। अगर कर्मचारियों को हमको वेतन बढ़ाना है या नए हमको रोज़गार उपलब्ध कराना है, तो 1,00,000 करोड़ के वेतन के हम लोग घोषणाएँ पदों की नहीं करेंगे। आपको घोषणा पत्र में दिखेगा कि नई पीढ़ी को हमको अगर नौकरी देनी है, तो अगर 1,000 नौकरी देनी है तो उसका इतना रुपया प्रति माह, इतना रुपया प्रति साल बनता है, इतने इसकी व्यवस्था हम करेंगे। घोषणा पत्र में आपको दिखेगा कि अगर हमको बोनस देना है, ये 300 रुपया बोनस और 2,050 रुपया का भाव दे रहे हैं, हम कम से कम 2,500 रुपया का भाव देंगे, तो 450 रुपया अतिरिक्त जो खर्चा आएगा, ये आपको घोषणा पत्र में दिखेगा कि इतने 1,000 करोड़ रुपये इस चीज़ के लिए दिख रहे हैं। और आप 1,00,000 के अंदर देखिएगा कि ये सारी चीज़ें आएंगी कि नहीं, और तब आप मानिएगा कि कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है, जो सुझाव आए उनको क्रियान्वित करने के स्वरूप में है कि नहीं, आपको क्लियर दिखेगा। बहरहाल चुनावी दौर में ये देखा जाता है कि नेता बोल तो देते हैं, मगर शासन में आने के बाद कई दिक्कतें इन्हें करने नहीं देती या फिर करना नहीं चाहते। इन सभी का जवाब अब मतदाताओं को देने का समय आ गया है। लोकतंत्र के लिए जवाब देने की पारी अब आम लोगों के हाथ में है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। चुनावी दौर में सभी पार्टी एक दूसरे की गलती निकालती नजर आ रही है। ताजा मामला कांग्रेस के ट्वीट का है, जिसमें भारत के नक्शे से कश्मीर गायब है, जिसे भाजपा ने थाने में मामला दर्ज कराया, तो वहीं कांग्रेस ने भूल स्वीकारते हुए मानवीय त्रुटि करार दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर बवाल मचा है। ये बवाल भारत के गलत नक्शे के इस्तेमाल को लेकर मचा है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रदेश में महिलाओं के गायब होने को लेकर एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में भारत के जिस नक्शे का इस्तेमाल किया गया था, उसमें भारत अधिकृत कश्मीर शामिल नहीं था।
इस ट्वीट को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा है। वहीं पीसीसी को भाजपा ने पाकिस्तान कांग्रेस कमेटी का नाम दिया है। पाकिस्तान कांग्रेस कमेटी ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड करने लगा। इस ट्वीट को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस के खिलाफ FIR कराने भाजपा नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे और मामले को दर्ज भी करवाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा डाले गए इस पोस्ट में भारत देश का नक्शा डाला गया है, जिसमें भारत के नक्शे से कश्मीर गायब है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा ट्विटर हैंडल में जो भारत सरकार भारत के नक्शे के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, जिसमें से कश्मीर को गायब कर दिया गया है, ये रोज उसकी शिकायत करने आए थे। ये कांग्रेस की सोच जो है, वोट के लिए देश के टुकड़े कर रहे हैं ये। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JNU में जाते हैं, जो बोलते हैं कि देश के टुकड़े होंगे हजार, उनको वो बच्चे हैं, क्षमा कर दीजिए, उनके लिए बात करते हैं, ये उनका सपोर्ट करते हैं, ये मानसिकता दिखाती है। ये वोट के खातिर कांग्रेस पार्टी देश के टुकड़े करने में टूट गई है, आज सिद्ध हो गया। ये आज नहीं, इसके पहले भी इनके ट्विटर हैंडल में कश्मीर नहीं था, दो बार और ऐसा कर चुके हैं। आज हमने इसकी शिकायत की है और हमने कार्रवाई की मांग की है, इसके खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई की जाए कांग्रेस के लोगों के खिलाफ। इधर इस ट्वीट पर विवाद गहराता देख छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से हटा लिया, साथ ही खेद भी प्रकट किया। TS सिंहदेव ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान इसे एक छोटी भूल बताई और भाजपा को भी उनकी पुरानी गलतियों को दिखाया, जिसमें भाजपा से कई बार मानवीय त्रुटि होने की बात कही। किसी ने गैर जिम्मेदारा एक व्यक्ति ने अगर गैर जिम्मेदाराना काम किया हो, चूक से किया हो, चाहे जैसे किया हो, वो स्वीकार्य नहीं है। वो किसी भी पक्ष का हो, भारत के नक्शे में अगर त्रुटि हुई हो तो मेरे ख्याल से BJP गवर्नमेंट का एक नक्शा निकला था जिसमें कश्मीर अलग किस्म से दिख रहा था, वो गवर्नमेंट का नक्शा था। त्रुटि अलग चीज है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस पार्टी ने तो देश को जोड़ के रखा है, तोड़ने वाले तो रमन सिंह के पार्टी वाले। बहरहाल एक छोटी गलती को लेकर इस चुनावी दौर में राजनीतिक दलों को काफी कुछ सहना पड़ता है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष द्वारा आरोप को तुल देना स्वाभाविक सी बात होती है। देश TV के लिए कैमरामैन संतोष साहू के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले अपने विभाग के कार्यों का लेखा जोखा देने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। बीते 15 सालों में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां विकास नहीं दिखता हो। पांडे ने खासकर शिक्षा पर जोर देते हुए प्रदेश के कॉलेजों की संख्या दोगुनी होने की बात कही। पांडे ने राजस्व मामलों की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए ई कोर्ट बनाया गया है, जिसमें प्रदेश के 11,000 गांवों को राजस्व ग्राम मुक्त किया गया। 12 लाख लोगों को आबादी पट्टा का वितरण कर रहे हैं। शहरी इलाकों में 80,000 आबादी पट्टा तैयार है, जिसका वितरण कर रहे हैं। दो कानून भी हमने बनाया। एक जो अक्सर शिकायत आती थी कि जो बिल्डर्स हैं, उन लोग जो जमीन उनके पास रहता था, जो उस जमीन को भी बेच देते थे, जो रोड नाली और इसके, और उसके लिए ये था कि कोई कानून नहीं था। तो हमने एक हक त्याग कानून बनाया कि ऐसे जो मकान के अलावा जमीन जो उनके खाते में दिखते हैं, अब उन्हें वो सरकार के या जो स्थानीय प्रशासन है उसमें उनको हक त्याग करना पड़ेगा। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए भी हमने बनाया कि जो कोई अगर व्यक्ति इंडस्ट्री के लिए जमीन लेता है, डाइवर्सन कराता है, उसे 3 या 5 साल में एग्रीकल्चर लैंड को अगर डाइवर्टेड हुआ है तो उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, नहीं अगर लगाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रीडाइवर्टेड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल फूकने राहुल गांधी 22 अक्टूबर को रायपुर आएंगे। यहां वे एक बड़े किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक ये दौरा एक दिन का ही होगा, मगर PCC ने राहुल से 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आने का अनुरोध किया है। अब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में 22 तारीख को किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले बिलासपुर और सरगुजा में आदिवासी सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। दरअसल राहुल के एक दिन के दौरे के पीछे की वजह 23 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले विशाल किसान सम्मेलन को माना जा रहा है, लिहाजा राहुल 22 अक्टूबर की शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।